कोरबा के सुभाष ब्लॉक घंटाघर के बाद अब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में एक कबूतर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों ने कबूतर की मौत की सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने मृत कबूतर को सुरक्षित बरामद करके जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया है। हालांकि इससे पहले 36 कबूतरों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं थे। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने एहतियातन सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजा था। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। क्या देखे फिर यहाँ घटने स्थल पर? यहाँ देखे तो गिरा पड़ा था, वैसे तो कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तभी कहाँ भेजेंगे जांच के लिए? अगले में लक्ष्मी भैया ने जानकारी दी कि एक कबूतर गिर के वहाँ पर खत्म हो गया है, तो उस गंभीरता को देखते हुए तत्काल मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने फोन किया पशु चिकित्सक पे, और वहाँ उन्होंने तत्काल जानकारी दी। वो फिर पहुंचे, उन्होंने अपनी टीम भेजी और टीम को उठा वो कबूतर को उठाने के बाद जांच के लिए भेजेंगे अभी वो। तो अभी ऐसा कोई जानकारी तो नहीं है कि वो बर्ड फ्लू की सिम्टम्स है उसमें, लेकिन जांच के बाद वो पता चल पाएगा। कोरबा में अच्छी बात यह है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग किसी भी पक्षी की मौत या तबियत खराब की जानकारी समय पर दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।